भाई और बहनों, गरीब का खर्च बताने, मध्यम वर्ग का खर्च बताने के साथ ही हमारी सरकार ने यह भी कोशिश की है कि मिडिल क्लास की जेब में ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आपको याद होगा, 9 वर्ष पहले तक 2 लाख रुपए सालाना कमाई पर टैक्स लग जाता था, 2 लाख की कमाई पर। आज 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर भी टैक्स कितना है? 0, 0। 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। इससे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग परिवारों के हर साल हजारों रुपए बच रहे हैं। हमने छोटी बचत पर, नानी बचत, अधिक ब्याज देने का भी कदम उठाया है। इस साल ईपीएफओ पर 8.25% इंटरेस्ट तय किया गया है। साथियों, हमारी सरकार की नीतियों, निर्णयों में से कैसे आपके पैसे बच रहे हैं, इसका एक उदाहरण है आपका मोबाइल फोन भी है। शायद आपका उस तरफ ध्यान नहीं गया होगा। आज अमीर हो या गरीब, अधिकांश लोगों के पास फोन जरूर होता है। आज हर भारतीय औसतन हर महीने करीब करीब 20 GB डेटा इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं, 2014 में 1 GB डेटा की कीमत कितनी थी? 2014 में 1 GB डेटा के लिए आपको 300 रुपये देने पड़ते थे। अगर वही पुरानी सरकार आज होती तो आपको मोबाइल का ही बिल हर महीने कम से कम 6,000 रुपये देना पड़ता, जबकि आज 20 GB डेटा के लिए 300-400 रुपये का ही बिल आता है। यानी आज लोगों के हर महीने मोबाइल बिल में करीब करीब 5,000 रुपये हर महीना बच रहे हैं। साथियों, जिन परिवारों में सीनियर सिटीजन हो, वृद्ध माता पिता हो, दादा दादी हो और कोई न कोई बीमारी हो, तो परिवार में रेगुलर दवाएं लेनी पड़ती है, उन्हें भी हमारी सरकार योजनाओं से बहुत बचत करवा रही है। पहले इन लोगों को मार्केट में अधिक कीमत पर दवा खरीदनी पड़ती थी। उन्हें चिंता से उबारने के लिए हमने जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाई देने का शुरू किया। इन स्टोर की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। गरीब के लिए संवेदनशील सरकार, मध्यम वर्ग के लिए संवेदनशील सरकार एक के बाद वो कदम उठाती है ताकि सामान्य नागरिक के जेब पर बोझ न बढ़े। देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर।